बिरयानी आपने दिल्ली में और जगह जगह बहुत खाई होगी, लेकिन दरअसल हम इस वक्त मुरादाबाद में खड़े हैं, तो यहाँ की जो मोस्ट ऑथेंटिक मुरादाबादी बिरयानी है वो आलम बिरयानी है। और मैं इनकी सिविल लाइंस वाली ब्रांच पर हूँ। आलम बिरयानी टेस्ट करते हुए चलेंगे, 4:15 हमारा डिनर का इरादा है कि रामपुर में करेंगे, तो ठीक है, तो आलम बिरयानी पे चलते हैं। वो दोनों देख के मुझे बड़े मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं ऐसे मैंने क्या देखा। भाई आप ही बताइए, इतने हंस क्यों रहे हैं? आपका नाम क्या है? नाम और आपका? अलीशान। आप दोनों कौन है? भाई है ठीक। ये बताइए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि रंग डाल दिया तो बिरयानी हो गई, ऐसा ही है क्या? ये क्या है, ये पुलाव है, बिरयानी है क्या? बिरयानी है, मुरादाबाद की फेमस आलम चिकन बिरयानी। जी जी। लेकिन ये जो हम और जगह खाते हैं पुलाव कह के भी बिकता है, मुरादाबादी पुलाव, तो दरअसल क्या है ये? इसको चिकन बिरयानी ही बोलते हैं मुरादाबाद में। कब से ये सिलसिला जारी है? ये 48 साल से जारी है। आपके वालिद ने? जी जी जी, वालिद ने शुरू किया था आलम भाई। और पता लगा कोई अंदर सिटी में भी है आपका? जी, अंदर मेन ब्रांच जो है अंदर है। जी जी। क्या रुपए किलो है ये? 240 रुपए किलो है चिकन बिरयानी। सुबह 11 से रात 11 तक। ये कितनी निकाली आपने? ये 250 ग्राम 60 रुपए की है। सही है जी, प्लेट होती है। रात के 11 बजे तक रहता है। मुरादाबादी बिरयानी है, मुझे पुलाव की खुशबू आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा बिरयानी है। कई जगह और भी इनकी ब्रांचेज हैं। फिलहाल ये एक प्लेट बिरयानी जबान बताएगी कि ये क्या कहती है। फिलहाल कहीं भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें सफ़र हमारा लंबा है, यहाँ से अभी रामपुर भी जाना है। यहाँ तक तो खुशबूदार है, दालचीनी, भुनी हुई प्याज, हरी मिर्चें, चावल काफ़ी खिला हुआ है। देखिए मुरादाबादी बिरयानी ना बहुत जगह खाई है, लेकिन मुरादाबाद में पहली बार खा रहे हैं, तो देखते हैं वो असली होती है ये असली है। जायका बता रहा है कि ये चावल जो है बासमती चावल है, जिसको कच्चा चावल भी कहते हैं, और सेला चावल नहीं है। एक फर्क तो ये है यहाँ की बिरयानी का। चिकन की बॉडी बड़ी साफ़ सुथरी सी है, और जो मेन मज़ा आ रहा है वो इसमें हरी मिर्चों का आ रहा है, दालचीनी का आ रहा है। एक बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि डिस्पोजेबल भी है और प्लेट भी है। अच्छा शुक्रिया। ये नॉर्मली सबको सर्व होता है? ये पीला पीला सा रायता है, पता नहीं ये किस किस्म का पीला रायता है, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। ये सही वक्त पर आया, पहले मैंने इसकी सादगी देख ली, अब रायते के साथ कितनी एनहेंसमेंट होती है वो देखते हैं। अपने अंदर ये भी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी कभी कभी एनहेंसमेंट भी ज़रूरी होती है। देखते हैं, इसके साथ इसका मज़ा थोड़ा सा खुलना चाहिए। चटनी मैंने थोड़ी सी डाली है। आलम चिकन बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी। आपने ना दिल्ली में बहुत जगह एक एल्युमिनियम की देगे रखी देखी होंगी, वहाँ लिखा रहता है मुरादाबादी असली बिरयानी, तो हम इस वक्त हैं ही मुरादाबाद में, तो यहाँ की ये मशहूर बिरयानी है। बिरयानी अच्छी है, इसके आसपास से गुजरें और आपका लंच का टाइम हो रहा हो तो बड़े आराम से आपका लंच होगा। बिरयानी अच्छी है। बिरयानी लफ्ज़ जो है वो हर जगह अलग इसके मायने हैं, अलग इसकी डिश है। यहाँ के हिसाब से अगर आप खाएं तो ये बिरयानी कहलाती है, हम बिरयानी ही कहेंगे आज इसको। दिल्ली की बिरयानी और होती है, उसकी शक्ल, अपीयरेंस, रंगत सभी कुछ अलग होता है, चावल अलग होता है, लेकिन बहरहाल मुरादाबाद में है तो उसको बिरयानी कहेंगे, अच्छी है। थोड़ी थोड़ी सी जो प्याज साथ में आ रही है उससे भी टेस्ट एनहेंसमेंट तो हो रही है। गोश्त बहुत साफ़ सुथरा है, जो कि आप सब जानते हैं, मैं इस चीज़ को अहमियत ज़रूर देता हूँ। चावल अच्छे पके हुए हैं। ये जो बासमती राइस होता है, बासमती चावल जिसको हम कच्चा चावल कहते हैं, इसको कंट्रोल करना हर किसी के बस का नहीं है। या तो ये कच्चा रह जाता है, या अगर थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा हो जाए तो ये बिल्कुल मैश सा हो जाता है, घुटा घुटा सा हलवा से हो जाते हैं चावल। ये मुश्किल है पकाने, इसके लिए फनकारी चाहिए। मेन आ रही है इसके अंदर एक भुनी हुई प्याज की और एक थोड़ी थोड़ी दालचीनी की खुशबू, लौंग इलायचियाँ तो हैं ही, हरी मिर्चों का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आ रहा है, तो इन टोटल बड़ी
सादगी वाली बड़ी मासूम सी है मुरादाबादी बिरयानी है। आतिफ मेरे साथ हैं, हमारे प्यारों में से हैं, मुरादाबाद में रहते हैं। इनको मैंने स्टोरी लगाई थी तो इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैं आज यहाँ आ रहा हूँ, तो स्पेशली हमारा साथ देने आलम बिरयानी पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये साथ में खा नहीं रहे, खा लो यार थोड़ा बहुत। बस बस आप लीजिए। मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको मुरादाबाद का जायका? अच्छा है, अरे मैंने भी यही बोला। यहाँ पे अभी बहुत कुछ है जो आपको कवर करना चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि काफ़ी ट्रेडिशनल फूड है यहाँ पे, सादगी बहुत है इसमें, बड़ी सादा सी बिरयानी है। और ये जो कच्चे चावल हैं, मैं भी यही बता रहा था, इनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता, ये जो एक इनका बड़ा बड़ा प्रिसाइज बैलेंस के साथ इनको पकाना पड़ता है। और ये चिकन में है, चिकन की बिरयानी अमूमन ज़्यादा खुले ज़्यादा की नहीं होती, लेकिन ये है, अच्छी लग रही है खाने में। चाना साहब, और लूँ बिरयानी आपके लिए? थोड़ी आप जैसे कहते हैं गुस्से वाली। हाँ, गुस्से वाली नहीं है, गुस्से वाली नहीं है। तो ये आप अगर और भी बिरयानी है इनकी, आप वो भी कभी ट्राई करें, और लेयर्स वाली भी बनाते हैं। हाँ, चीज़ें हैं, पता लगा मुझे, आतिफ नहीं बताया, लेयर्स वाली बिरयानी भी बनाते हैं, बिरयानी में स्पेशल है। और उन्होंने बताया मेरे ख्याल में 30-40 साल से इनका नाम, इनके फादर ने शुरू किया था, जॉब करे हैं। जो भी ट्रेडिशनल फूड है वो कम से कम 30-40 साल पुराना हो जाता है वो। अच्छा, और यहाँ पे कई गलियों में बिरयानी ही बिरयानी दिखेगी आपको, इसी को बिरयानी कहते हैं। हाँ, ये एक सवाल है कि इसी को बिरयानी कहते हैं। मेरे हिसाब से ये ना पूरा पुलाव है ना पूरी बिरयानी, ये एक बीच में कुछ एक नई चीज़ है। लेकिन ये हर, मैंने कई वीडियोस में कहा है कि बिरयानी हर इलाके की अलग होती है, यहाँ की यही बिरयानी है। मुरादाबाद आएँ तो ही वो बिरयानी समझ के खाएँ और आपको अच्छी लगेगी। तो मुरादाबाद की बिरयानी आपने देखी, अभी हमारा सफ़र जारी है, हम रामपुर पहुँचने वाले हैं, कुछ देर में हम यहाँ से निकल जाएँगे। तो रामपुर पहुँचने तक और वापस दिल्ली जाने तक आप साथ रहिए। मुरादाबाद दिल्ली से 167 किलोमीटर के फासले पर है। पीतल की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने मुरादाबाद को दुनिया भर में एक मकाम बख्शा हुआ है। इसको ब्रास सिटी यानी पीतल का शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जैसे UK, US, मिडल ईस्ट, जर्मनी, कनाडा वगैरह में मुरादाबाद में बने हुए पीतल के प्रोडक्ट्स बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। खैर, इकोनॉमी से बाहर आते हैं और हाईवे पकड़ते हैं क्योंकि डिनर रामपुर में करना है। किसी नक्काश के दस्ते हुनर ने फूल टांके थे, वो हुक्का क्या मुरादाबाद सारा छोड़ आए हैं। मुनव्वर आना साहब का मुहाजिरनामा। मुरादाबाद के मुतालिक एक शेर याद आया तो पढ़ दिया। खैर, ये मुहाजिरनामा बहुत लंबा है, कभी मौका हुआ तो फिर बात होगी इस पे। रामपुर पहुँचते। अच्छा जी, तलाश तो थी हमारी रामपुर का खाना, हमें अभी अभी पता लगा कि एक शादी है वहाँ, हमें इंस्टेंटली इन्वाइट भी किया गया है, हम शादी में जा भी रहे हैं। ये मज़ार चुप शामिया के इलाके से, उस मोहल्ले से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ एक फनकार बैठे हुए अपने हाथों से तेज़ी से कुछ फनकारी कर रहे थे, ये पतंगे बना रहे थे। मेरे वालिद का चंदनिया मेरा ख़ानदानी काम है। एफसी रोड पर मैं खड़ा हूँ, यानी फूड सर्कल रोड, यहाँ पर एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, क्वालिटी रेस्टोरेंट, उसके बाहर खड़े हैं। यहाँ पर एक शादी की दावत है और वो दावत अभी ताज़ी हम तक पहुँची है। शादी में जाने से पहले क्वालिटी रेस्टोरेंट का कुछ ना कुछ चक्कर जाएंगे। यहाँ के कबाब मैंने सुना है काफ़ी मशहूर है, बाकी उधर शावरमा भी चल रहा है, उसके आगे रुमाली भी बन रही है, अंग्रेजी का भी सेटअप है, इधर सारा बारबेक्यू का सेटअप है, और चिकन फ्राई, टिक्का और तंदूरी सब कुछ ये बना रहे हैं। मुझे लगभग 7 इयर्स हो गए यहाँ पर, उससे पहले मैं कैटरिंग का बिजनेस किया करता था। क्योंकि हमें अभी एक दावत मौसूल हुई है अचानक से, एक शादी में, वहाँ का खाना हम कवर करेंगे, लेकिन नदीम भाई का कुछ ना कुछ यहाँ सर हम टेस्ट जरूर लेकर जाएंगे। तो नदीम भाई क्या खाएं? मैं आपको खिलाऊंगा यहाँ एक बटेर खिलाऊंगा, उसको तो इनकार भी नहीं किया। कबाब्स वगैरह तो सारे आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन कबाबों का कुछ स्पेशलाइजेशन होता है जो कि सिर्फ एक रामपुर में होता है, जिसके बाइंडिंग के अंदर हम कोई भी किसी तरह का चर्बी या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। एक तो कबाब, 10 कबाब, एक कबाब खाइए, एक बटेर खाइए आप, बात खत्म। एक फिश का टिक्का खाइए, फिश खिलाएंगे हम आपको, बोनलेस फिश, फिर बढ़ती चली जाएगी ना, नहीं तो फिर उसके हिसाब से छोड़ देंगे, थोड़ा सा कुछ ऐसा है डाइजेशन के लिए कुछ चीज़ दे देंगे, फिर आप दावत खाइएगा इंशाल्लाह।
कबाब है, उन्होंने बताया कबाब के अंदर किसी किस्म की बाइंडिंग के लिए भी कोई चिकनाई वगैरह चर्बी वगैरह यूज़ नहीं करते। कबाब बहुत अच्छे हैं, खुशबूदार हैं। कबाब जूसी हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये प्याज के साथ मैं एक निवाला लेकर देखता हूँ। ये प्याज ली, थोड़ी सी चटनी भी लगाई, सभी कुछ लगा लेते हैं आज तो। तो ये हैं रामपुर के कबाब, क्वालिटी रेस्टोरेंट पर मैं खड़ा हूँ, फूड सर्कल रोड है, बड़ा इंग्लिश का नाम है। ये चिकन टिक्का भी देख लेते हैं, ये थोड़ा बटरी सा है। नॉर्मल टिक्के से थोड़ा मुख्तलिफ मज़ा है, फिर वही बात आ जाती है कि इलाके इलाके का फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ है, नया है, चेंज है, इसलिए अच्छा लग रहा है। दे दीजिए, ये क्या चीज़ है? फिश टिक्का। अच्छा, ये आया फिश टिक्का। बहुत गर्म हो रहा है, इनका फिश टिक्का देखते हैं। भाई वाह, इससे अच्छा फिश टिक्का है, फिश टिक्का बहुत ही मज़े का इनका। अमन लो, प्लीज़ लो, ले लो, आ जाओ भाई। ये मछली का नाम मेरे लिए नया है, मैंने बताया बासा फिश है, ये मैंने पहली बार सुना इसका नाम, लेकिन ख़ास है कोई बता रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, और ये फिश टिक्का जो है ये बोनलेस है, बिल्कुल खटास है, खूबसूरती की हद तक। एक निवाला रोटी से देखते हैं, मछली के पीसेस वाकई में बहुत फ्रेश नज़र आ रहे हैं। बटर पेन का बहा नहीं रखा है, एक लिमिट में है, ये इतना मुझे नहीं भाया, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कबाब अच्छे हैं, फिश टिक्का बहुत अच्छा है, बहुत ही अलग जायका है। रामपुर का ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है, इसके ओनर काफ़ी अच्छे लगे मुझे, उनकी आदत अच्छी है, मैंने देखा सभी के लिए काफ़ी वेलकमिंग उनका बिहेवियर है, अच्छा लगा। ये कबाब एक बार और खाते हैं, उसके बाद ये कैमरा बंद करके हम इसको फिनिश कर दें। ये बता रहे हैं कि बटेर पूरी की पूरी सिक रही है, ये पहली बार मैं खाऊंगा। बस ये तैयारी पर ही है, ठीक ठाक सी सीख चुकी है, मेरे ख्याल में तैयारी है ये। कितनी देर लगेगी इसमें? हो गया, बस सही है, निकाल दीजिए आप। सिकती हुई बटेर और चांदना साहब के चेहरे की चमक का कोई ताल्लुक तो ज़रूर था। चांदना साहब के साथ खड़ा लड़का अमान रामपुर का रिहायशी है, जिसने हमें आज के टूर में काफ़ी मदद की। अभी बटेर बनती हुई देख रहे थे, तो बटेर आ जाए, उसके बाद बटेर का हक अदा करके यहाँ से आगे। ये आ चुकी है छोटी सी बटेर, मासूम सी इस प्लेट के अंदर, और ये पूरी बटेर है। इतना इसका चलन नहीं है, दिल्ली में नहीं मिलती है, इसका बड़ा नरम गोश्त होता है, और ये तासीरन गरम होती है, साइज़ में छोटी होती है, समझ लीजिए कि छोटे साइज़ का चिकन होता है, लेकिन इसकी ब्रीड अलग है, बहुत समझ लें कि बड़ा बड़ा नाजुक गोश्त होता है इसका, जैसे कि इसकी हालत है, ये देखिए, और बहुत कम ही इसमें गोश्त होता है, ज़्यादातर इसमें हड्डियाँ ही होती हैं, इसीलिए हर कोई इसको पकाता भी नहीं है, लेकिन शौकीन लोग खाते हैं। तो ये बटेर खाकर देखते हैं, रामपुर में बटेर खाने को मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड है। मैंने अभी बताया कि इसके अंदर गोश्त कम ही होता है, बस हड्डियों से चिपका हुआ थोड़ा बहुत, जो टेक्स्चर है वो चिकन के जैसा ही होता है इसके गोश्त का भी, बस उससे ज़्यादा नरम होता है, उससे ज़्यादा नाजुक होती है, और ठीक है खाने में उस जैसी है, लेकिन हाँ बहरहाल हमारे लिए नई चीज़ है, क्योंकि इत्तफाकन दिल्ली में कहीं मैंने अभी तक देखी नहीं, दिखती होगी, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन रामपुर में ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, अच्छा सरप्राइज़ था। रिसेप्शन चल रहा है, रामपुर में हूँ, रामपुर के फूड टूर पर निकले हुए थे, तो पता लगा कि एक दावत में हमारी दावत आ गई, हमें इन्विटेशन आया बीच व्लॉगिंग के, तो हमने कहा ठीक है चलते हैं, तारगोश्त यहाँ का बहुत मशहूर है, तो तारगोश्त खींच कर लाया है, तो एक तो तारगोश्त खाएंगे तंदूरी रोटी के साथ, और यहाँ की शादी के थोड़े बहुत एक झलक आपको दिखाएंगे, और फिर यहाँ से चल देंगे।
आबादी के इंतजाम की जो बैकेंड है जहाँ पर ये देगे बन रही हैं, एक झलक उसकी देखते हैं, उसके बाद फिर खाने बैठेंगे। ये है जी तार गोश्त, या यहाँ का कोरमा कहलाता है, तार कोरमा। अच्छा, तार क्यों कहते हैं इसको, कुछ खास बात नहीं? ऊपर ये दिखते हैं, अलग ही दिखते हैं। अच्छा, ये जो मतलब इसमें रोहन ज्यादा होता है। कभी सोचा नहीं था यूँ इस तरह किसी शादी में बगैर बुलाए चला जाऊंगा, लेकिन बहरहाल वक्त का तकाजा था, आप तक जायका पहुंचाना था, एक ट्रेडिशनल जायका पहुंचाने का मौका मिल रहा था, सो मैंने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना कबूल किया। इजाज़त है तो जनाब, ये है यहाँ का ख़ास कोरमा, इसको तारगोश भी कहते हैं। अच्छा जी, तो ये ख़ास यूपी की देसी गेहूँ वाली रोटी है, ये बहुत सस्ता होती है, अलग टेक्सचर होता है हमारी खमीरी रोटी के मुकाबले में, और इसके साथ इस तारगोश का मेन कॉम्बिनेशन। रोटी गर्म हो रही है, पहले इसका एक निवाला चखता हूँ। लाइट है ही, साथ में रोटी भी बहुत लाइट होती है इसकी है, और ये कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है। लेकिन ये यूपी में ख़ास तौर से चलता है, कहीं ये नान गोश्त कहलाता है, कहीं तार गोश्त कहलाता है, कहीं रामपुरी कोरमा कहलाता है। हल्दी वल्दी पड़ती है ठीक ठाक इसके अंदर। और अखिल भाई, एक आध थोड़ा बहुत साथ तो दीजिए। अच्छा, ये इंतज़ाम जो है, बाय द वे ये बता दूँ, केटरिंग का, खाने का अखिल भाई ही के ज़ेर इंतज़ाम है। ये वाकई में हमारे कोरमे से बहुत मुख्तलिफ है। खाले हैवी नहीं करेगा, और बहुत ही साफ सुथरा सा गोश्त होता है, मसाले हल्के फुलके होते हैं, लेकिन खुशबूदार बहुत होता है। यहाँ पर यहाँ का पुलाव भी मौजूद है, लेकिन मेरी जो बाईस कशिश था मेरे लिए, वो यही तार गोश्त था। मैंने इसका बहुत नाम सुना था, आज चैनल पे ये तार गोश्त आ ही गया, और इससे अच्छा तार गोश्त ऑथेंटिक नहीं मिल सकता जो आपको यहाँ किसी दावत ही में खाने को मिले। अच्छा जी, ये थोड़ा सा एक मीठा भी यहाँ का चक्कर देख लेते हैं, ये ज़रदा आया हुआ है, हमारे ज़रदे से थोड़ा अलग होगा, थोड़ा सा चक्कर देखते हैं और इसके साथ आज की इस दावत को मुकम्मल करते हैं। ज़बरदस्त कलर नाक बराबर है, लेकिन सिर्फ ऑरेंज कलर नहीं है, ग्रीन कलर के भी चावल नज़र आ रहे थे मुझे। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, हर 100 किलोमीटर पर ज़बान, लहजा, मिजाज, नफ्सियात, माहौल, आबोहवा, चीज़ें बदलती हैं, तो खाने का ज़ायका भी बदलते हैं, तरीके भी बदलते हैं। खूबसूरत से रंग बिरंगे मीठे चावलों के साथ आज रामपुर का ब्लॉग यहाँ एंड करते हैं। मुझे यानी मोहम्मद याह को ज़्यादा दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।